अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कराची टुडे। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। हकीकी टू का मंसूबा दफन कर देंगे, इलेक्शन कमीशन से मेरे ख़िलाफ़ भी फैसला आया तो कबूल करूंगा, डॉक्टर फारूक सत्तार। कामरान टसूरी कारकुन नहीं, आपका दोस्त थे खालिद मकबूल सिद्दीकी। आमिर खान पर इल्ज़ाम लगा कर उन्होंने भी मुतनाज़ा कर दिया है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ये बयान। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक हफ़्ते में कराची साफ़ होना चाहिए, कचरा उठाया जाए। शहर कायद कराची में वसाइल कम वसाइल ज़्यादा हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नापैद है, पानी बिजली जैसी बुनियादी सहूलतों से भी ये शहर महरूम है। जरदारी से इतिहाद करना पड़ा तो शीशे में अपनी शक्ल कैसे देखूंगा, इमरान खान। बिलावल ने नवाज शरीफ को साजिशी और इमरान खान को मुनाफिक करार दिया है। इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शहर कायद कराची के, जहाँ बेपनाह मसाइल का ये शहर शिकार है। और यहाँ से जो 30 साल से अगर हम बात करें तो जो पार्टी बरसार रहती है वो भी आजकल मसाइल का शिकार है। इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि यूम तासीस भी अलहदा अलहदा करना पड़ा है। हालांकि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने दावत दी थी कि साथ कर लेते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानब से भी बातें तो बहुत अच्छी मुस्बत आती हैं, लेकिन फिर भी साथ नहीं हो पाते हैं। और ऐसे में कराची शहर अगर ये हालात रहे तो कहा ही जाता है जनाब इस बार कराची ओपन है और यहाँ 2018 में इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ भी है, PSP भी है और दूसरी जमातें, वो यहाँ से सीटें लेने में कामयाब होंगी। और मुत्तहिदा पाकिस्तान यानी MQM पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वो इतनी बड़ी तादाद में शायद इस बार सीटें हासिल नहीं कर सकेगी अगर यही हालात रहे। एक और भी जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात जिसके बारे में की जा रही है ज़राए के हवाले से, वो है कि जनाब MQM और जितनी ये महाजिर वोट बैंक रखने वाली सियासी जमातें हैं, एक नई जमात बन रही है जिसकी सरबराही परवेज मुशर्रफ साहब कर रहे हैं, उसमें इशरत अलबाद साहब शामिल होंगे और सब वहीं इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी एक थ्योरी है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खुश आमदीद। साजिद अहमद साहब, योम तासीस 34वां और कैसा लगा जनाब, अलग अलग करके आप लोगों ने अलग मनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिल्कुल माशाल्लाह, कल जो लियाकत आबाद में MQM पाकिस्तान प्रोग्राम किया फारूक भाई की सरबराही में, नो डाउट कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद कारकुनों की और लोगों की थी। और इसमें तो कोई शक नहीं कि MQM और डॉक्टर फारूक भाई और हम समेत कोई नहीं चाहता था कि अलग अलग हम इस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करें। और इसके लिए बाकायदा तौर पर फारूक भाई ने भी ऑफ़र की थी कि वहाँ से भादराबाद से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और यहाँ से मैं हो जाऊँगा और हम दोनों बात करेंगे, हम एक ही जगह हम ये प्रोग्राम को कर लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो यकीनन फिर एक ही रास्ता था कि यकीनन अपना अपना रास्ता सब लें, और यकीनन फिर अपना ही अपना रास्ता लिया और उसके बाद प्रोग्राम भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और कारकुनों की बड़ी तादाद ने, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सबसे अच्छी बात उसमें यह है कि सरदार अहमद साहब जो कि भादराबाद के साथ थे वो भी कल इधर आ गए, तो हक और सच्चाई की एक दलील है ये भी। फिर इसके साथ डॉक्टर अमन फारूक भाई की वालदा वालिद, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भादराबाद के साथ अपने आप को दिखाया था कि भादराबाद के साथी होने के हमारे साथ हैं, लेकिन वो भी आकर डॉक्टर फारूक भाई के साथ वहाँ बैठे स्टेज पर आकर, और उन्होंने इस अदम का इरादा किया, इजहार किया कि हम डॉक्टर फारूक सत्तार भाई और उनकी टीम के साथ हैं। अच्छा, इसमें दोनों दायरे में तासीस थे, आपने इस तरह कहा कि बारहा आप लोग दावत दे चुके हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। अच्छा, बज़ाहिर तो वहाँ से भी मुस्बत जवाब आता है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि जी बिल्कुल साथ बैठने को तैयार हैं, आज भी हमारे वो सरबरा हैं, सिर्फ आइन में हम चाहते हैं अमल दरामद कर लें। लेकिन जिस तरह की तनकीद आमिर खान साहब के हवाले से बार बार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आमिर खान पर इल्ज़ाम लगा लगाकर उन्हें भी फारूक सत्तार साहब ने मुतनाज़ा कर दिया, तो एक शख्सियत को क्यों टारगेट किया हुआ है, वजूहत क्या है? यहाँ से अगर कामरान टसूरी का नाम आता है तो वहाँ से आप लोगों ने आमिर खान साहब को मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वहाँ से सिर्फ एक लफ्ज़ होता है इस्तलाही तौर पर, नहीं कहने की हद तक कि आएँ और आकर बातचीत करें, लेकिन उसका कोई अमली नमूना पेश नहीं किया गया। सरदार साहब
खुद बार बार PIB फिर बहादुराबाद, तो फारूक भाई ने ये कहा कि आप सरदार भाई आप मैंडेट लेकर आएँ और उसके बाद फिर आके बात करें, हम तो आप जो कह रहे हैं हम आपसे एग्री कर रहे हैं, ओके करते हैं। वहाँ जाते हैं तो फिर उनकी बात सुन नहीं जाती। और आखिरकार ये हुआ कि सरदार भाई भी यहीं आकर बैठ गए और सरदार भाई ने भी ये कल कहा कि फारूक भाई को जब सरबराही से हटाया गया था तो एक क्या कहते हैं हाज़िरी के पेपर पर उनसे साइन लिए गए, लेकिन उनसे पूछा नहीं गया था कि साइन किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए और किस कॉज के लिए ले जा रहे हैं। बाद में जब उनको पता चला कि मुझसे इस हवाले से साइन लिए गए तो उनको ज़ाती तौर पर दुख पहुँचा, तकलीफ़ पहुँची। मेरे ख्याल में ये चिटिंग नहीं करनी चाहिए और यही वजह है कि अच्छे लोग तकरीबन वहाँ पर हैं। कल आमिर खान साहब ने कमेंट्स किए जो कि मैंने सुने, बल्कि हमारे तमाम साथियों ने सुने कि इस दफ़ा टिकट वो उनको देंगे MNs MPOs को जो अपने अपने हलकों में काम करते होंगे। तो मेरा सवाल उनसे यह है मोहतरमाना कि जो लोग उनके पास हैं उसमें खालिद भाई के अपने हलके में जाते हैं, कमर नवेद जमील अपने हलके में जाते हैं, इकबाल डिप्टी अपने हलके में जाते हैं और दीगर जो रहनुमा इनके हैं फैज़ सवारी, कोई 4-5 कोई क्लिप्स मुझे दिखा दें उनकी फेसबुक पर उन्होंने डाली हूँ कि अपने हलके में जाके काम कर रहे हो। मेरे ख्याल में ये वो लोग भी नहीं जाते, वो लोग कहते हैं आप लोग भी नहीं जाते। मेरे ख्याल में ये अल्लाह का शुक्र है अपने हलके में मेरी बहुत एंट्री रही है, बहुत आना जाना रहा। आपके अलावा भी हैं साहिद भाई पार्टी में और भी तकरीबन लोग, ये वो हथकंडे हैं जो कल तक पार्टी आप समझ रहे हैं कि प्रेशराइज कर रहे हैं आपके MPs MNs को। ये अल्फाज किसी और पे अच्छे लगते थे, वो कहते थे तो बहुत अच्छी बात थी, उसको सब तस्लीम भी करते थे और बाकायदा तहकीक और रिसर्च के बाद वो करते थे मेरे ख्याल में बात ना। अच्छा, पानी की आज भी तारीफ कर रहे हैं। ये अल्फाज इनके ऊपर मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में। ये शोला, ये आग भड़का कर और कारखानों को मुश्तिल करना मेरे ख्याल में इनकी वो हैसियत भी नहीं है कि इनके कहने पर कोई भड़के। और मेरे ख्याल में कोई हैसियत मेरे हिसाब से तो कोई हैसियत नहीं है। वो इसलिए कि ये टारगेट करते हैं कामरान भाई को कि वो बहुत जल्दी आए, तो 20 साल बाद ये भी पार्टी में आए थे और बहुत गैप के बाद आए, ये भी सीनियर डिप्टी कन्वीनर बन गए। तो अपने अपने गिरबानों में लोगों को झांकना चाहिए, अपने अपने गिरबानों में लोगों को झांकना चाहिए, फिर किसी को क्रिटिसिज्म करें, किसी के बारे में किसी हवाले से कोई बात करें। मुनासिब नहीं होता कि आप अपने अपना वजन आपका इतना है नहीं और दूसरों के हवाले से आप लफाजियाँ करें, तो ये चीज़ें सूट नहीं करती। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आपके, आमिर खान साहब का इतना वजन नहीं है वो क्रिटिसिज्म करें, जबकि बार बार जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा आप भी कह रहे हैं कि जी उनका इतना वजन नहीं है, नहीं करना चाहिए। लेकिन फारूक सत्तार साहब की जात ठीक है, वो उनसे भी सीनियर है, हमारा क्या बार बार कहते हैं हकीकी टू का मंसूबा दफन कर देंगे, ये मंसूबा क्या है आवाम को भी बताएं ना, हकीकी टू कौन बना रहा है भाई। फारूक भाई जो बात कह रहे हैं कि हकीकी टू बनाने की प्लानिंग की जा रही है, मेरे ख्याल में हकीकी वन भी इन्हीं लोगों ने बनाई थी और हकीकी वन बनने के बाद जो कुछ इस शहर में हुआ था, मतलब आप लोग माफ़ करने को तैयार नहीं, आवाम से उन्होंने माफ़ी मांग ली, कारकुनान से माफ़ी मांग ली, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं आज भी हकीकी बिल्कुल माफ कर दिया था बिल्कुल, लेकिन वही रिएक्ट दोबारा किया गया, वही अमल दोबारा किया गया ना पार्टी के अंदर, वही दोबारा से एक पूरा ग्रुप एक छत्ता निकाल कर और एक खुद साख्ता 2/3 मेजोरिटी निकाल कर और ये कहा जा रहा है कि हम अलग हैं और हम सही हैं। तो मेरे ख्याल में ये वही गेम है, ये वही प्लानिंग है दोबारा, लेकिन इंशाल्लाह ताला कराची के लोग और कराची की आवाम अच्छी तरह जानते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा सवाल निशान आपने लगा दिया, 27 तारीख को अगर फैसला आ जाता है तो इस ग्रुप के हक में अगर फैसला आता है फर्ज कर लेते हैं तो आप समझते हैं कि उस दिन बन जाएगी। मेरे ख्याल में कल फारूक सत्तार भाई ने कह दिया और इसी तरह बबांग दहल इनको भी कहना चाहिए कि अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पटिशन इन्होंने लगाई ना, एप्लीकेशन इन्होंने वहाँ पर लगाई है इंतखाबी निशान और MQM के हवाले से, बिल्कुल तो इन्हीं की दीवी एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी उस पर फारूक सत्तार भाई का ये कहना कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगा हमारे हक में वो हमें तस्लीम, और अगर हमारे मुखालिफ भी आया तो हम उसको तस्लीम करेंगे, ये होती सेंसिटिविटी। हम इस पतंग को फटने नहीं देंगे, ठीक है आप भी इतनी ज़रूरत इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप भी अल्फाज कहें कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया तो हम उसके फैसले को तस्लीम करेंगे, ठीक है ना, इस लड़ाई को आगे नहीं ले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अब देखिए पार्टी के अंदर अगर कोई फेस है पूरी दुनिया के सिफारतकारों से रबता, पाकिस्तान दुनिया भर के लीडरान से, पाकिस्तान के लीडरान से रबता, वो फारूक सत्तार भाई का एक फेस है, आखिरी MQM के अंदर रह गया। अच्छा, हमारा कहना भी ये है कि अल्लाह का वास्ता इस फेस की वजह से 22 से 23 से आज पूरा 1.25 साल हमने निकाला है और आगे भी इस कौम को, इस पार्टी को, पार्टी के कारकुनान को
کرائسس سے نکالنا ہے. آپ سمجھتے ہیں فاروق ستار صاحب کا چہرہ ہے, اسے کیش کر سکتے ہیں آپ 2018 کے الیکشن کے لیے, لوگوں کے لیے کارکردگی نہیں ہے. میئر پر تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی کارکردگی نہیں ہے, تو 2018 کے الیکشن میں آپ کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتے جی دیکھ لیجیے ہمارا میئر تھا, میئر اپنے شہر کا تھا, تو دیکھ لیجیے کتنی بہترین کارکردگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے, ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سپریم کورٹ میں پٹیشن وغیرہ لگائی تھی سر, اور اسی کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ انسٹرکشنز دی تھی کہ پورے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات کرا دی جائیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اختیارات جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس نے سٹی گورنمنٹ کو نہیں دی ہیں, لیکن بہرحال سویپنگ کا اختیار تو ہے, سویپنگ تو کر سکتے ہیں علاقوں کے اندر, ایریاز کے اندر, گلی محلوں کے اندر, جو پرانے پارکس ہیں ان کو تو سنبھال سکتے ہیں, ان کو تو رینوویٹ کروا سکتے ہیں. اچھا جو چھوٹی موٹی سیوریج کی لائنیں ہیں سائید احمد صاحب, ان کو تو کروا سکتے ہیں. بالکل آپ کی بات, بالکل آج ظاہر ہے پارٹی کے دو دھڑے بن گئے, تبھی تنقید بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ساتھ بیٹھنے نہیں دے رہی ہیں کہ ہم حقیقی ٹو بنا لیں گے, میئر کراچی سمیت دیگر سے صلح بھی شاید اس لیے نہیں ہو رہی, حساب کتاب بھی مانگ رہے ہیں آپ لوگ. فیصل سزواری صاحب گاڑی لے رہے تھے 1 کروڑ کی, وسیم اختر صاحب کے اختیارات ہیں نہیں, 5 ارب روپیہ کہاں گیا, اس طرح کی آپ باتیں کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی اچھا جواب آئے گا اور ساتھ بیٹھ سکیں گے آپ لوگ؟ میرے خیال میں فاروق بھائی نے جتنی بھی باتیں کہیں, آپ فاروق بھائی کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے کتنے سافٹ ہمبل شریف آدمی ہیں وہ, انہوں نے پوری آرگنائزیشن کو ان کے حوالے کر دیا. میڈیا پر نہیں آنی چاہیے یہ بات, آپ کرتے آپس میں بیٹھ کر اجلاس. اچھا الیکشن کمیشن کون گیا؟ ہمارے بھائی گئے نا سارے. اس کے بعد میڈیا پر پہلی کر پریس کانفرنس کس نے کی؟ ہمارے بھائیوں نے کی, بھادر آباد والے نے. اس کے بعد فاروق بھائی کی سربراہی کو ان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا سب اسٹینڈ. سر یہ بات وہاں سے ہوئی سائید احمد صاحب, نہیں عوام کو بھی بتایا نا ساتھ, شروع وہاں سے ہوئی جب آئین میں فاروق ستار صاحب نے بالا ہی بالا کریکشن کی اور جا کے جمع کرا دیا. وہ کہتے ہیں جی بغیر بتائے, جس پہ آج فاروق ستار صاحب نادم بھی ہیں, لیکن وہ بغیر بتائے جب کیا تو معاملات تو وہاں سے خراب ہونا شروع ہوئے نا. پھر کامران رسولی صاحب کا ذکر آ گیا بیچ میں اور پھر یہ تقسیم بڑھتی چلی. میں کامران بھائی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, فاروق بھائی نے بھی 10-15 مہینے کے دوران 23 کے بعد سے, کیونکہ ان کو بھی رابطہ کمیٹی نے بہت ٹف ٹائم دیا ہوا تھا. میرے خیال میں کوئی بھی پارٹی کا کارکن اور کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا سربراہ ویک ہو, اس کا سربراہ ویک پوزیشن میں آ کے کھیلے, وہ ایک بناوٹی اور دکھاوے کے طور پر, چہرے کے طور پر سامنے ہو اور باقی ان کی کوئی حیثیت اہمیت نہ ہو, تو ایسی سربراہی کسی کو قبول نہیں ہے. یہی تو شرافت تھی فاروق بھائی کی نا, یہ شرافت تھی, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. جب آپ کسی کو اتنا ٹف ٹائم دیں گے اور اس کو ویک پوزیشن میں رکھیں گے, کمزور سربراہ کے طور پر رکھیں گے, تو یقیناً وہ بھی تو اپنا ایکٹ کرے گا نا, کیونکہ پوری پارٹی تو اسی نے بچائی ہے, اسی شخص نے بچائی ہے, وہی شخص تو یہاں تک لے کے آیا ہے سارے کے سارے. 23 تاریخ کو ہر بندے نے ان کو فون کیا کہ فاروق بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, سینئر آدمی تھے تمام لوگوں تھی نا, اور پارٹی کے اندر سینئر ہیں وہ ہیں, اس وقت فیس بھی پوری دنیا میں پاکستان میں انہی کا فیس ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا بریک لے رہے ہیں سائید احمد صاحب, آپ کے پیچھے چلیں. آپ نے جو آج گفتگو کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں, ظاہر ہے اس میں نظر آ رہا ہے آپ کا غم غصہ بھی کہ 2 یوم تاسیس منائے گئے, ظاہر ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے اور ایم کیو ایم کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یقیناً اس بات کا ان کا لگا آپ کو بھی ہوگا کہ یہ 2 جگہ نہیں ہونا چاہیے, سب کو ساتھ ہونا چاہیے تھا. مزید بھی ہم گفتگو کریں گے اور یہ بھی ہم بات کریں گے کہ جو الیکشن کمیشن 27 مارچ کے فیصلے تک ڈٹا رہے گا وہی پارٹی کا سلطان ہوگا, اس کے بعد ہوگا کیا, کیونکہ ایک گروپ ظاہر ہے ایک کے خلاف فیصلہ آنا ہے, ایک کے حق میں آنا ہے, اس کے بعد ایم کیو ایم کیا متحد ہو سکے گی, اتنی باتیں کرنے کے بعد یہ تمام لوگ دوبارہ ایک اکٹھے بیٹھ بھی سکتے ہیں یا نہیں, اس پر بات کریں گے, لیکن اس بریک کی بات کہیں مٹ جائیے گا. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جناب کہ 27 مارچ کو فیصلہ ہوگا اور جب تک جو ڈیٹا رہے گا وہی سلطان ہوگا. 27 تاریخ کو دیکھتے ہیں جی کیا ہونے جا رہا ہے, 26 کو فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی. سائید احمد صاحب اس پر بھی میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بات مجھے بڑی اہم ذہن میں آئی کہ ایم کے ایم کی رجسٹریشن بھی پچھلے دنوں کینسل ہو گئی تھی, سر کیوں ہو گئی تھی اور ہوا کیا ہے؟ بالکل, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایم کے ایم کی رجسٹریشن کینسل ہو گئی تھی. اچھا, اس حوالے سے تمام کے تمام ڈاکومنٹس فاروق ستار بھائی نے تیار کیے,
एम क्यू एम के उसमें साइन भी चाहिए थे वर्करों के, 2,500-3,000 इस तरह के कोई थे, 2,000 चाहिए होते बिल्कुल, वो साइन तमाम कंप्लीट हुए। उसके बाद वो फाइल, मैं नाम ले लूँगा, मेरे लिए काबिल एहतमाम है राबता कमेटी के मेम्बर फारूक भाई ने उनके हाथ में दे दी कि इस फाइल को, इस पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को अब जाकर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके जमा करा, जमा कर दीजिए। मैं साजिश का बता रहा हूँ कि किस तरह से साजिश सरबरा के खिलाफ, राबता कमेटी का बहादुराबाद ताल्लुक है उसका, वो शख्स था, किस तरह से साजिश फारूक सत्तर भाई के खिलाफ की गई। अच्छा, उन्होंने फिर भी एतमाद किया, आप देखें ना उनकी शराफत देखें, उनकी दयानतदारी देखें, उन्होंने ढाके फाइल जो अगेंस्ट लोगे, पता है कि मेरे खिलाफ निगेटिव काम कर रहे हैं, ये बात हो रही है काम कर रहे हैं के बाद भी, उसके बावजूद भी उनकी शराफत देखें कि उन पर एतबार कर रहे हैं कि आप ये फाइल हैं इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दें। पूरे 20-25 दिन महीने तक वो शख्स, वो फर्द फाइल लेके घूमे, उसके बाद एम क्यू एम पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई। जब एम क्यू एम पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई तो फिर उसके बाद फारूक भाई से ये कहा गया कि फारूक भाई मेरे ख्याल में आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है तो आप अपने आप को सस्पेंड शो करें और फिर वक्त किसी को कन्वीनर बनाएं। अच्छा, ये बात भी हुई है, बड़ी अहम बात कर रहे हैं, बात है, आप ऐसा करें कि आप अपने आप को सस्पेंड शो करें और किसी और को कन्वीनर मुंतखब कर दें ताकि हम इसको बाद में इस केस को हम इलेक्शन कमीशन में या कोर्ट में जाएं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब हो जाए तो उसके बाद फिर ना। बहरहाल वो पार्टी के हैं हमारे बेचारे राबता कमेटी के, जिनको बहुत क्रिटिसिज्म ये लोग करते हैं, उन्होंने कर करा के कोशिश करके एम क्यू एम की रजिस्ट्रेशन को दोबारा से करवाया, वरना मेरे ख्याल में लोगों ने ये बात की थी कि एम क्यू एम को दफन कर देंगे। अच्छा, ये एम क्यू एम के लोग नहीं है, आप समझ रहे हैं, एम क्यू एम के लोग नहीं जिन्होंने कहा था, पी एस पी की जानिब से ये बात आई थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एम क्यू एम को दफन करने वाले तो अंदर मौजूद थे कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दी, दफन करवा दी, तो कर दिया था एम क्यू एम को। ये तो फारूक भाई ने आज इंकशाफ कर रहे हैं, बहुत अहम बात कर रही है, ये तो फारूक भाई ने स्टैंड स्टेप लिया, फौरी तौर पर कुछ लोग एक्टिव हुए इस हवाले से, उन्होंने जाके रजिस्टर्ड करवाया, वरना एम क्यू एम का काम इस 2/3 मेजोरिटी ने काम लगा दिया था एम क्यू एम का। अच्छा, आप इन्हीं के बारे में जानिब इशारा कर रहे हैं, हैदराबाद के लोग हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने में शरीक थे, एक राबता कमेटी के जिनको फारूक भाई ने हाथ में तमाम चीजें दी थी, तो जाहिर है उन्होंने दूसरों को बताया होगा ना, राबता कमेटी के दीगर मेंबरान को, तमाम एक लोग एक ही थे वो सब के सब, वो यही हुआ कि वो गेम एक साजिश होती ना। अच्छा, इस पूरी राबता कमेटी के अंदर मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार भी तना अकेले थे, और अगर कोई थोड़ा बहुत उस जमाने में, क्योंकि हम लोग तो अभी राबता कमेटी के अंदर आए, उस जमाने में थोड़ा बहुत खुल के जो साथ देते तो कामरान टिशोरी भाई, इसलिए मेरे ख्याल में बुरा हो गया। फिर कामरान टिशोरी भाई को इतना बुरा भला ये लोग कह रहे हैं, लेकिन इसी राबता कमेटी ने उनको ऑफर की थी कि आप हमारे साथ आ जाएं, फारूक भाई को ताना छोड़ दें, इसका मतलब ये हो गया फारूक भाई यहाँ आ जाते। अच्छा, इस बात पर फारूक भाई यहाँ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जी ये तमाम बातें झूठी, हमने कभी कामरान टिशोरी को नहीं कहा हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं, उनको छोड़ दें, उनसे कहा गया था। पीएस 114 का जो टिकट है, बिल्कुल वो इन्हीं लोगों ने दिलवाया था, राबता कमेटी मौजूद थी ना सारी की सारी, क्यों दिलवाया आपने अगर कामरान टिशोरी भाई इतने बुरे थे या एक्स वाई जेड उनके बारे में जो बातें आप कर रहे हैं, आप खड़े हो जाते उस वक्त? सर, आप सुनो, आज नजरियात की बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन एक बात बताइए, देखिए बात पता क्या है, बात असल वजह यह है, पार्टी के अंदर सीनियर सबसे ज़्यादा, जो हम डिफिनेशन करते हैं पार्टी के अंदर सीनियर सबसे ज़्यादा, वो जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा हो, सबसे ज़्यादा लोगों की भागदौड़ कर रहा हो, वर्क कर रहा हो, वो खुद ब खुद बहुत जल्दी सीनियर हो जाता है, ठीक है ना, अपने आप को इतनी भागदौड़ की, शो करता इतनी ज्यादा वो शो करता है, मिसाल के तौर पर 8 महीने के अंदर, मैं ये नहीं डिप्टी कन्वीनर बन गया, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर देखिए ना, इस तरह से तो आमिर खान को भी कारकुन रहना चाहिए था अभी तक, इसलिए कि 20 साल बाद पार्टी के अंदर आए थे, तो इनसे पुराने कारकुन जो 1992 के बाद भी इतने ऑपरेशन भुगते, जेले काटी, दरबदर हुए, रूपोश हुए, लापता हुए सब कुछ ना, तो उनको सीनियर डिप्टी कन्वीनर होना चाहिए था। आप लोगों ने अभी भी जो, और इनको वॉलंटरी अलग जो राबता कमेटी बनाई है उसमें भी तो बहुत सारे लोग ऐसे लिए ना आप लोगों ने, किसने अभी जो राबता कमेटी बनाई है, बनाया, ये इलेक्शन हुए थे, इंटर पार्टी इलेक्शन की बात हुए थे, और इससे मदद मांगी आप लोगों ने, देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान का मीडिया मौजूद था, और जितना हल्ला गुल्ला, जितना रश, ओपन सब कुछ दिखाया, नहीं इब्तदाई नहीं, और ओपन ओपन सब कुछ हुआ, ओपन नहीं हुआ, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया, इब्तदाई 2 घंटे तक दिमाग खुल नहीं था, बाद में कहा गया कि पीएसपी को आप लोगों ने फोन किया है, कारकुनान भेजे हमें, कुछ नहीं है, नहीं नहीं, पूरा पाकिस्तान का मीडिया मौजूद था, नहीं जाने दिया गया अंदर, बाद में जाने दिया गया, क्या बात कर रहे हैं आप, सारे के सारे मौजूद कर दिया गया साहब, नहीं नहीं, मैं भी बोले खत्म हो गई उसके बाद अंदर गए, मैं भी, अच्छा मिसाल के तौर पर चलें, आप कह रहे हैं 2 घंटे बाद भेजा, कोई एक कारकुन इतने लोगों ने, किसी को 9,000 वोट मिले, किसी को 8,000, किसी को 7,000 कुछ, मुझे 7,000 कुछ मिले थे,
एक कारकुन कोई खड़ा होकर बोल देता ना कि मेरे साथ ये, इतना जो भरोसा करते हैं सर आपके आपके कारकुनान भी आपके साथ, जो MPS फारुस्तार साहब ने कहा 24 से 25 MPS भी हैं उनके साथ, तो सर सेनेट में तो बड़ा फिर फारुस्तार साहब के कहने के बावजूद सिर्फ 11 लोगों ने वोट दिया है। देखिए बिल्कुल इसमें जो पहली प्रायोरिटी इट्सवीन के फारुस्तार साहब को सारे लोग जो आपके साथ मौजूद हैं शायद उस तरह ना देखते हो सर, जिस तरह आप समझते हैं। पहली प्रायोरिटी ये थी, अब मेरे ख्याल में होना भी यही चाहिए था, फारूक सत्तार भाई की राय भी उसमें शामिल थी कि सेनेट इलेक्शन का हम बाइकाट कर दें, क्योंकि उससे पहले जितने मामला हो चुके थे मेरे ख्याल में मेरे अपने हिसाब से भी, और हमें इसका इसकी वजह ये तो नहीं थी कि फारूक सत्तार साहब को अंदाज़ा था आप लोगों को कि हमने नहीं जीतना, जी अंदाज़ा था, अगर ये अंदाज़ा होता नहीं जीतना तो शायद ये कभी इस तरफ जाते नहीं, रिस्क कभी नहीं लेते, लेकिन डाउटफुल चीज़ें ज़रूर थी, वो इसलिए कि इस दफ़ा जो पूरे पाकिस्तान के अंदर खरीद व फरोख चली है, पंजाब के अंदर आप देख लें गुलाम सरवर साहब जीत के आए PTI के, नून के लोगों ने वोट दिया, KPK से पीपल्स पार्टी की सेनेटर जीती हैं, PTI के 19-20 लोग बिक गए, बलूचिस्तान का पूरे पाकिस्तान नहीं हुआ कभी भी ऐसा, पूरे पाकिस्तान में काम लोग बिके गए हों बिक गए हों इसमें कोई शक नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल इस दफा हुआ ऐसा। तो उनके साथ क्या किया, एडमिट भी करते हैं जिनके बारे में आपको पता चल गया साहिद अहमद साहब, उनके साथ क्या किया, शोकास देके बाहर निकाल दिया आपने? अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया था कि जो लोग भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल 8-9 लोगों को बुलाया, हम सबसे पहले पहुंची थी उसके अंदर, तो 14 लोगों के पता है आपको कौन है, लिस्ट आपके पास मौजूद है? लिस्ट हमने दी है उनको मुकम्मल, लोगों की अभी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी उनके नाम समेत तमाम लिस्ट वहाँ पर दी है, कहा जाता है कि जो बिके हैं इनसे पूछें, उसमें अच्छा बड़ी तादाद PIP के साथ थी वो लोग हैं। मैं बताऊँ इसमें देखें, इस वोटिंग के अंदर फरुख नसीम सिद्दीकी को 10 वोट मिले, 3 इनको शेराजियों ने दिए, और 1 वोट इनको साबिक जो CM सिंध रह चुके हैं उन्होंने, अरबाब रहीम साहब की बात कर रहे हैं आप, कामरान टिसूरी को फिर भी 11 मिले हमारे, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो फिर भी जीत गए, बाद में उन्हें वोट मिल गए, आप आपके जीते वो आपने साहब को 1 वोट मिला, ये तो जीते वो भी नहीं, जीते वो भी नहीं, ठीक है जीत गए, उनकी जीत को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं सर, कल एक इनके हो जाएगी साहिद अहमद साहब, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं वो ठीक है जीत गए सही है। अच्छा पीपल्स पार्टी ने जिस तरह खरीद और फरोख्त की है, मैं चाहता हूं इस पर भी हम बात करते हैं कि नवाब हसन साहब यहां से मौजूद होंगे, इसमें कोई शक नहीं कि कराची के लोगों ने इन पर एतबार किया, इनको वोट दिया, असेंबली तक पहुंचाया, इसलिए नहीं पहुंचाया था कि बिक जाएं। अच्छा इस पर बात करनी मुझे आपसे, कौन कौन बिक गया और तंजीम नौ के हवाले से बात करेंगे, कि MQM पाकिस्तान के हवाले से हम ये बात भी कर रहे थे कि जहां रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई वहां तंजीम नौ का भी ऐलान किया गया था, तंजीम नौ भी होनी है, इस पर बात करेंगे, और पीपल्स पार्टी ने अगर खरीद लिया और तमाम शवाहद मौजूद हैं, अब होने आगे क्या जा रहा है इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मिल जाएगा हमारे साथ ही। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद, हम बात कर रहे थे ना सेनेट के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, बात ये भी है कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, सिंध की हम बात करें तो MQM पाकिस्तान के 14 MPs की ख़रीदारी के हवाले से उनका नाम आया, बल्कि प्रोग्राम में पहले भी हम जिक्र कर चुके थे कि जनाब बहुत सारे लोग रबते में ज़रूर हैं, और ये क्या हुआ है हॉर्स ट्रेडिंग, हर साल जब भी 3 साल बाद सेनेट के इलेक्शन इस तरह के होते हैं तो ये सब कुछ हमें सुनने को और देखने को मिलता है, इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, और क्या असूली सियासत का दावा करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब कुछ होता रहा, उनके इल्ज़ाम भी हैं बलूचिस्तान का हो या KPK के हवाले से हो, बिलखसूस कराची में जो कुछ किया है इस पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब अली वसान साहब। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, अगर आप तमन करता हुआ इस पर बात कर रहे थे, अच्छा बात हो रही थी ना आपसे तंजीम नौ के हवाले से साहिद अहमद साहब, अच्छा बिल्कुल इस तरह से आप लोगों ने ऐलान किया कि तंजीम नौ होगी, उसके बाद खामोशी छा गई, MQM की तंजीम नौ हो गई भी राबता कमेटी जो इंटर पार्टी इलेक्शन में, उससे पहले की बात, इससे पहले जो तंजीम नौ जो मुख्तलिफ हमारे टाउन UCU के अंदर जिन लोगों को बड़ी प्री प्लान फारूक भाई के पास भी काफ़ी लोगों ने कंप्लेंस और शिकायत की कि उन लोगों को आगे लाया जा रहा है कि जिनका कोई लेना देना पार्टी में इतना नहीं रहा और सब अपने अपने मोहरे बिठाए जा रहे हैं, और बाद में वो प्रूव भी हो गया
कि वो तमाम के तमाम लोग जो भी हर जगहों से इस आपकी बातों से मुझे तो ये लग रहा था साहिद अहमद साहब पांच पांच छह छह सात कामरान तस्वीर का सिर्फ नाम लेकर अपने सारे काम होते रहे, अपने लोग बिठाए जाते रहे, नए चेहरे लाए जाते रहे, यही बात कर ले। नौ सौ से मैं सिर्फ कमेंट ले लूँ, नौ सौ आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। अच्छा नौ सब, ये बार बार जो हाउस ट्रेडिंग की बात करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम भी आता है, तो सर दो छः सीटें थी आपकी केपीके में और दो वहाँ से सेनेटर मुंतखब आपके हो गए, कराची में 14 कहते हैं एमकेएम के एमपीएस तोड़ लिए आपने, तो सर ये सोली सियासत तो नहीं है ये? देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हो कि वो तो कुदरत का करिश्मा है कि वो खुद एमकेएम जो उन दो ग्रुप हो गए तीन हो गए वो आपस में लड़ पड़े, किसी ने कहा किसी को सीट दे दो, किसी ने कहा किसी को सीट दे दो, तो इस वजह से उनकी लड़ाई है। मेंबर पता नहीं कहाँ बिके कहाँ नहीं बिके, कहीं गए या नहीं गए, तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। नवाज साहब वो खुद कह रहे हैं कि जी 14 हमारे एमपीएस थे जिन्होंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खरीद के और वोट लिया। ये कौन कहता है? ये एमकेएम फारूक सत्तार साहब। एमकेएम फारूक सत्तार साहब को तो कुछ नहीं मिला, वो तो बातें करते हैं, वो तो कहाँ से कहाँ लेके आते हैं। देखें जैसे बलूचिस्तान में आपने देखा कि वो खुद ही लोग ब्लेम हमारे ऊपर था, पर खुद ही लोग वोट किया और खुद ही लोग उन्हें वो जो भी किया सेनेटर बने और केपीके से भी ऐसे ही हुआ। अगर पंजाब से ऐसा होगा तो पंजाब से क्यों आते? ये तो बातें करने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे यकीन नहीं रखती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखती है और ऐसी चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती कि कोई कहीं से पैसों से कोई परचेज हो या नौ सर। आपकी बात अगर मान लिया है तो सर हैरत अंगेज बात है कि 14 अफराद या 14 एमपीएस ने वोट दे दिए, उनमें से दो या तीन ने आपकी पार्टी ज्वाइन की होगी, बाकी अच्छा समझते हैं आपको वोट भी दे देते हैं लेकिन पार्टी ज्वाइन नहीं करते आपकी। जिन्होंने वोट दिए उनको शर्म आनी चाहिए। सर केपीके में भी तो क्या हुआ नवाब साहब? केपीके में सिर्फ 6 लोग थे आपके और 2 सीटें निकाल ली वहाँ से पीटीआई ने। पार्टी को कोई भी देखता है आजाद वहाँ तो सर पीटीआई के दो ग्रुप नहीं है ना, फायदा उठाए। चलो कराची में फायदा उठा लिया आपने, जो जो बेहतर समझे वो तो हमारा क्या, हम नहीं तो और कोई किसी को दे देते ही वोट। ये बात बड़ी अच्छी है आपकी कि जिन्होंने हमें वोट दिया है जी और अपनी पार्टी छोड़ के शर्म आनी चाहिए उन्हें, लेकिन असूल की सियासत। चलिए इस पर बात कर लेते हैं सर। इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जरदारी से इताअत करना पड़ा तो शीशे में अपनी शक्ल कैसे देखूंगा मैं। ये उनकी हिचड़ी ऐसी है तो उसको क्या कह सकते हैं इमरान खान की, जो आपको पता है कि जिस तरीके से ये देखें, ये इनको पता है कि मैं 2018 में नहीं इलेक्शन, तो यही बातें करेंगे और बहुत सारे ब्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाएंगे। आपको मैं ये बता दूं कि जैसे हमने सेनेट का जीता है या सेनेट में हमारी असलियत आ गई है, तो सर जिस तरह आपने जीता है सेनेट का आप ही समझ रहे हैं इसी तरह जीतेंगे आप 2018 के आम इंतखाबात में? 2018 में आवाम को सर वहाँ एमपीएस एमएनए की खरीद फोक्त नहीं होगी सर, वहाँ तो आवाम ने वोट देना है। नहीं आवाम को देना है तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे, नवाज शरीफ जीत सकता है और कोई जीत सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। तो कारकर्दगी पे आएंगे सर इलेक्शन में आप? कारकर्दगी तो है ना, कारकर्दगी किसकी किसकी ज्यादा है? इमरान खान ने केपीके में कौन से तीर मारे हैं? आप अपनी बता दें थोड़ी सी सर, क्या कुछ किया आपने, कोई मेगा प्रोजेक्ट कराची के हवाले से बता दें। नहीं ये जो इतने बन रहे हैं अभी काम चल रहा है, हर चीज हो रही है, आपको इनॉग्रेशन होगा, काम तो चल रहा है, ये तो मेयर का काम है सर। ये रोड पे कारपेटिंग कर देना इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं? कर लेंगे नहीं फिर हम ही कर लेंगे, अगर नहीं कुछ कर रहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर चीज से देख रही है। सर कोई मॉडल यूसी बता दें अंदरूनी सिंध की। चले कराची में तो एमकेएम का मेयर है तो खैरपुर है, खैरपुर में अपना खैरपुर का बता रहा हूँ। अच्छा मॉडल बना दिया आप देखिए। हाँ ये उधर आप देखें 7-8 यूनिवर्सिटियाँ हैं, आपको सड़कें ऐसी अच्छी हर चीज आपको वेल एंड गुड नजर आएगी, हर चीज नजर आएगी। लाड़काना में आप चले उधर भी आपको ऐसा ही नजर आएगा, नवाबशाह में चले हैदराबाद में चले, हैदराबाद की देखें कितनी बेहतरीन की है, कितनी तरक्की की हैदराबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाब हसन हमारे साथ मौजूद थे। ओके नहीं सिंध में आप 3-4 शहरों का नाम लिए कि वहाँ जाकर देखें आप हमने कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं और मॉडल बना दिए यूसीज हमने। साहिद अहमद साहब एक बात तो बड़ी दिलचस्प उन्होंने की, जिन्होंने हमें वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अपनी पार्टी छोड़ के हमें क्यों वोट दिया। हंसी आ रही है बस और कोई बात नहीं है कि सिंध में एक एक यूसी मुझे बता दें, कोई एक टाउन बता दें, तो कोई एक मेगा बड़े शहर बता दिए उन्होंने, जहां मॉडल बना दिए उन्होंने, कोई 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 एक हॉस्पिटल मेगा मुझे बता दें, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया। आप देख रहे हैं सिंध के अंदर हेल्थ की जो पोजीशन है, एजुकेशन की जो सूरत हाल है,
कराची को उन्होंने कचरे का ढेर बना दिया है, लूट मार है, करप्शन है, अकरबा परवरी है, क्या कहते अच्छा आप हैं इनका सिर्फ फायदे मतलब आप एजुकेशन इनका सिर्फ नाम न लें, क्योंकि एजुकेशन आप एजुकेशन जिस तरह फारूक साहब एजुकेशन ने के कहा जो कि हालात हैं सब मेयर देखा ने है भी ना। जो जब से बने 1.5 साल हो गया है कोई काम नहीं किया, 5 अरब का हिसाब मांगा वो आज तक आपको नहीं मिला, इसी तरह की बातें आप सुनने को मिल रही हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे फारूक में मैंने भी। कुछ क्वेश्चन ज़रूर राबता कमेटी के अंदर किए थे, मैं ज़्यादा तफसील में फिल वक्त नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी इंशाल्लाह 26 के बाद हम खुल के बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर किए थे और सरबराह होने के नाते उनका फ़र्ज़ भी था। मेरे ख्याल में ये चीज़ें उनको इन सबको बुरी लगी हैं और ये सर वजह है योम कि उनको तासीस फौरी पर तौर पर दोनों वहाँ तरफ साफ़ दोनों किया। पावर शो बहुत सारे लोगों ने तो आज़ाद मीडिया ने भी कहा जी जो स्ट्रेंथ थी एमकेएम की वो तो नहीं है नाकामी है, लेकिन दोनों तरफ टाउन के लोग ही आए थे, छुट्टी ख़त्म की गई थी मेरे संडे ख्याल की। में जो एमकेएम जो फारूक सत्तार भाई ने लियाकताबाद में हमारा शो हुआ था उसमें पब्लिक और कारकुन थे, नहीं तो आमिर खान साहब ने और कहा कि मुझे जी वहाँ तो कहना लीडर हैं सारे, कारकुन तो यहाँ और पर हैं। कारकुन ये मेरे ख्याल में सारे के सारे बेचारे टाउनों के यूसीओ के कारकुन बेचारे, वो जो टाउन डिस्ट्रिक्ट के सिटी गवर्नमेंट गामला वो बेचारे सारे कारकुन थे। वो सही कह रहे हैं कारकुन थे, अच्छा चले जी, वो मुलाजमीन सारे बेचारे थे, वो अगर जिनकी अगर तनख्वाहें आपका रोकी गई इशारा हैं, मोइन जिन अनवर जिनको साहब और जिनको नैयर रज़ा के टाउन जिनकी की जिनकी जानिब है तनख्वाहें तो रोकी रेहान गई हाशमी हैं, साहब ने फिर ये किया होगा। जिनकी तनख्वाहें यहाँ तो प्योर कारकुन थे, रेहान हाशमी का कोई बोल भी नहीं सकता है मेरे ख्याल में। रेहान हाशमी साहब नहीं लेकर आए किसी को नहीं भी। नहीं नहीं एमकेएम के टाउन यूसीओ ने काम किया बाकायदा, वर्कर पब्लिक यहाँ पर आई थी सर कहा जाता है और पहले यहाँ पर मुतदा तो लेबर डिवीजन को बाकायदा इस्तेमाल करती थी, अब बलदियाती मुलाजमीन को इस्तेमाल किया आप लोगों फारूक ने। सत्तार भाई की तरफ से हमारी तरफ से कोई ऐसा अमल बिल्कुल भी नहीं हुआ, और जो लियाकताबाद में लोग थे पब्लिक और एमकेएम के जेन्युइन कारकुन सारे वहाँ पर थे। अच्छा फारूक सत्तार साहब ने ये भी कहा कि अगर मेयर कराची ये कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं तो इस्तीफा दे दें। मेरे ख्याल में बिल्कुल कल फारूक भाई ने ये बात कही थी और मुझे सही वर्ड्स याद नहीं आ रहे कि यही कहा था या इससे थोड़े से आगे पीछे अच्छा कैसी मैं बात दोनों की की। क्यों सामने रख रहा हूँ, आमिर खान साहब ने कल एक बात की खवातीन के हवाले से कि मैं जबीनों दुर्दाना फरदाना इन को अब वो टिकट नहीं देंगे, मेरे ख्याल में ये बात डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी भाई ने खालिद की महमूद है सिद्दीकी साहब ने की। और बहुत हर्ट किया है उनकी इन बातों ने। पार्टी के अंदर जो खवातीन हमेशा एमकेएम के अंदर जिन खवातीन को प्रमोट किया गया, एमपीएस बनाया गया या एमएनएस, या वो एक क्राइटेरिया होता है, एक मेरिट होता है मेरे ख्याल में, और अभी तो इलेक्शन हुए भी नहीं। फारूक जो सत्तार आप साहब के ऐसी हवाले बात नहीं तनकीद नहीं की उन्होंने। नहीं ये तो ये होना कि पहले ये एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हों, पहले आपको पता था कि सब सिस्टम किसके हाथ में था। एमकेएम पाकिस्तान तो अब 2018 में इलेक्शन लड़ने जाएगी फारूक सत्तार भाई की सरबराही में, तो अभी तो कोई ऐसी बात हुई नहीं ना पहले ऐसे हुआ। मेरे ख्याल में इस किस्म की बातें खवातीन के हवाले से जेब नहीं देता डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी के सर ऊपर, वहां भी वो खवातीन इसलिए कि मौजूद बहुत थी, ज़्यादा वहां से हर्ट तो हुई, इतराजात नहीं हुए बहुत खालिद बहुत महमूद सिद्दीकी साहब ज़्यादा की इस बात बहुत पर। ज़्यादा हर्ट हुई खवातीन। पार्टी की बाजियाँ जो काम कर रही हैं वो किसी के लिए काम नहीं कर रही, किसी पर इस तरह से बोहतान इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौम की माओ बहनों को अल्लाह उसको रसूल का वास्ता, इनको मैं दूंगा कि अल्लाह उसको रसूल का वास्ता, कि अल्लाह उसको वास्ता दोबारा दे रहा हूँ मैं कि ऐसे अल्फाज अदा ना करें, क्योंकि सब पार्टी की खवातीन वो खवातीन हैं जो 84 से 85 से 86 से एक टाइम पीरियड हो गया उनको काम करते हुए, और वही लोग पार्टी अंदर प्रमोट होते हैं ये उनको ही पता है। मेरे ख्याल में खवातीन के हवाले से आप नफरत में कहते हैं जी इतना उस आगे तरह ना की जाए, बातें खालिद महमूद नफरत में सिद्दीकी इतना साहब को आगे ना नहीं करनी जाए कि चाहिए। आपके अल्फाज आप बगैर तोल के बोल दें। मेरे ख्याल में तोल के बोलें तो अच्छा है, ये मुनासिब नहीं है और बहुत इस पर पार्टी की खवातीन नाराज़ हैं। अच्छा आमिर खान साहब ने ये भी कहा कि फारूक सत्तार ने जितनी शराइत दी एक एक करके हमने सबको मान लिया, हमने कहा फारूक सत्तार साहब आ जाएं पार्टी संभालें, मालूम नहीं फारूक सत्तार भाई जिद क्यों कर रहे हैं या फारूक अपनी भाई कह रहे ख्वाहिशात हैं, की तकमील चाह रहे हैं। नहीं फारूक भाई ये कह रहे हैं कि सब पीछे हट जाएं, डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी भाई को आपने सरबरा बनाया ना, तो आप उनको मैंडेट दें वो बैठ जाएं। फारूक भाई को एमकेएम जो हमारी पूरी रब्ता कमेटी, उसने मैंडेट दे दिया है कि आपके पास पूरा इख्तियार है, आप जो चाहे फैसला करें। वो इसलिए कि हमें यकीन है कि फारूक भाई ने बड़ी मेहनत की है, बहुत काम किया है सेंसिस के हवाले से, डिलिमिटेशन के हवाले से, लेकिन वो ये कहते हैं जी खालिद बहुत महमूद बहुत सिद्दीकी ज़्यादा साहब ने इसका बहुत जवाब बहुत ये दिया है कि फारूक सत्तार साहब का फार्मूला एमकेएम को तकसीम कर देगा। मेरे ख्याल में एमकेएम को जोड़ने का फार्मूला है वो, इसलिए कि फारूक सत्तार भाई बहुत कुछ देख चुके हैं वहाँ पर। उन्होंने भी तो, आपने जब ये कह रहे हैं कि हमने अपना कन्वीनर बना दिया डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी को, तो उन पर एतमाद करें, उन पर एतमाद करें। हम तो एतमाद कर रहे हैं फारूक भाई पर, एमकेएम की पूरी रब्ता कमेटी, हमने कह दिया आपको पूरा अख्तियार है कि जो आप चाहें सस्पेंड कर दें सबको, यानी एमकेएम रब्ता कमेटी ख़त्म करें, वो अपनी ख़त्म करें, खालिद महमूद सिद्दीकी और फारूक भाई बैठ के फैसला करें साहिब खत्म साहब बहुत करें। सारे सवाल आते हैं लेकिन वक्त की किल्लत से जाते जाते मैं चाहूँगा ये ज़रूर बताइए आपकी बहुत सारी सियासी जमातें हैं कराची में जो आकर के यकीनन फ़ायदा उठाना चाहती हैं कि आप लोगों के आपस के जो इख्तलाफात हैं वो यहाँ से सीटें निकालना चाहती हैं, बड़ा शहर और हक बनता है हर सियासी जमात का यहाँ आकर वो ज़रूर ज़ोर आजमाई करे। तो सर आपको क्या लग रहा है 2018 में अगर इलेक्शन होते हैं
तो एमकेएम की पोजीशन रही तो कहाँ खड़े हैं आप लोग? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम सियासी पाकिस्तान सारी जमातों को आईनी कानून यहाँ के कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, लोगों के पास जाएँ, लेकिन कराची के लोग एमकेएम को जानते हैं, फारूक सत्तार भाई को जानते हैं, और उसी शख्स ने इस पूरी कौम को, पार्टी के कारकुनान को, पूरी एमकेएम को आग और खून के दरिया से निकाल के यहाँ तक पहुँचा है एक सवा साल के दौरान। मेरे ख्याल में कराची के लोगों का एतमाद फारूक भाई को हासिल है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फेज भी एमकेएम के पास एक ही है। छब्बीस के बाद आप समझते हैं कि तमाम चीज़ें मामूल पर आ जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। बहुत शुक्रिया साहब, महाराष्ट्र प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन 26 मार्च के फैसले तक जो डटा रहेगा कहा जाता है जी वही कराची का सुल्तान होगा। टसूर साहब ने उसे छोड़ने पर बाद ग्रुप से माफ़ी का ऐलान भी किया, और छोड़ी तो नहीं उन्होंने, कम वसाइल ने, वसाइल बहुत ज़्यादा हैं कराची के, और ये सियासी जमात कराची की जिसके पास मैंडेट मौजूद है। अब देखना यह है कि 2018 के इलेक्शन में आवाम किसे यहाँ का सुल्तान बनाती है। इसके लिए जनाब हमें और आपको रहेगा इंतज़ार, क्योंकि इलेक्शन होंगे, पता चलेगा आवाम किसके साथ है। मुझे, मेरी टीम को आने वाले प्रोग्राम तक के लिए दे दी इजाज़त, मौलाना की बात।